आप सब चिंता ना करें, ये चट्टान रोक लेगी इस लावा को। अब आप सब सुरक्षित हैं। देखो देखो, लावा बहते बहते रुक गया। हम सब बच गए, बच गए हम सब। हे भगवान, हे प्रभु। ये लावा तो एकत्रित हो रहा है, कुछ ही समय में ये चट्टान के ऊपर से झरने की भांति गिरने लगेगा। हाँ, शिशु के रोने की ध्वनि। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरा पुत्र, धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। ढकने पर भी चावल पात्र से बाहर निकल रहे हैं। आप समझा, इस मुख्य ज्वालामुखी के प्राकृतिक प्रवाह को मैं रोकता नहीं तो और भी स्थानों पर ज्वालामुखी फूट कर नहीं आता और ये भीषण स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करना अनर्थ का कारण भी बन सकता है। सुषेण, नल, हनुमान कहाँ है? हनुमान ने ही हमें बचाया है, अब वो बाकी सभी ज्वालामुखी को बंद करने के लिए गया है। ये भी ना, स्वयं ही संकट मोल ले लेता है। अरे वो देखिए, लावा पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। ये क्या, ये तो इसी ओर आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? एकाएक ज्वालामुखी का फटना और अब लावा यहाँ तक आ पहुँचा। गुरुजी, हमारे आश्रम में भी चारों ओर से लावा आ गया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। गुरुजी, लगता है आपके शरण में हमारे प्राण निकल जाएंगे। नहीं शिष्यों,
अंतिम समय तक आशावान रहना चाहिए। न जाने कब और किस रूप में कोई बचाने वाला आ जाए, बस ईश्वर से प्रार्थना करो। नील, तुम दोनों कुशल तो हो ना? हाँ माँ, हनुमान ने हमें बचाया। हनुमान कहाँ है? उसी को तो ढूंढने गया था, वहां उसके मित्र मिल गए। इन्हें हमारे हनुमान ने ही बचाया है, इसका अर्थ वो सुरक्षित और सकुशलता से है। प्रणाम महाराज। सभी ध्यान से सुनिए, नगर के चारों ओर लावा फैल चुका है, इसलिए सब सावधान रहें, ना तो उस ओर जाएं और ना ही अपने पशुओं और बालकों को जाने दें। अभी लावा शीतल होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, इसलिए तब तक के लिए सावधानी रखें। मेरे कारण ही ये लावा यहाँ तक बहकर आया है। मनुष्य तो स्वयं को बचा लेंगे, किंतु पशु पक्षी ये तो चल ही जाएंगे। अब क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। अग्नि तत्व का कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। उपाय है, अग्नि देव का वरदान। कट जान स्मरण हुआ अग्निदेव वरदान। जल आकाश और धरा पर अग्नि से रक्षित हो हनुमान। ज्वाला के लावा को पी गए धर कर रूप विराट महान। जय जयकार हो रहा सर्वत्र संकट मोचन महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। संकट टल गया। जय जय महाबली हनुमान। क्या कर रहे हो पुत्र? पार पाठ कर कोई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसी दास सदा हरि जे नीचे नाथ हृदय महादेव। जय हनुमान ज्ञान गुण सा। जय कपी सभी लोक जागर। जय पवन तन संकट हरण। जय हनुमान ज्ञान गुण सा। हनुमान, मैंने मना किया था ना तुम्हें ये सब करने से, किंतु तुमने। रुक जाइए माँ। Oh!
माँ, आपने ही तो कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना। देखिए माँ, संकट टल गया। पिताश्री, अब हम राजभवन चले। बल बल, विश्वास ही नहीं होता आपकी बल, इतने छोटे से बालक को इतने बड़े बड़े वरदान। बल बल बल, क्या हुआ? आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? आप लोग जाइए, जाइए अपने घर, अपना कार्य कीजिए, जाइए जाइए, अब आप सुरक्षित हैं। चलिए पिताश्री, हम राजभवन चलते हैं। चिन्ह बनते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है मुझे? माता, ये क्या हो रहा है हमारे मित्र हनुमान को? पता नहीं पुत्र, पर भगवान से प्रार्थना करो कि वह शीघ्र सामान्य हो जाए। ये क्या हो गया तुम्हें मेरे लाल? तुम्हारी देह तो अंगार के समान तप रही है। महाराज, युवराज ने नगर वालों को बचाने के लिए लावा को इस तरह से पिया जैसे महादेव ने विष पीकर पूरे संसार को बचाया था, किंतु अब ये स्वयं संकट में पड़ गए हैं। हाँ, उनका भी कंठ नीला पड़ गया था, महादेव पर भी विष का प्रभाव पड़ा था, हनुमान पर भी लावा का प्रभाव पड़ा है। न जाने कब तक सहना पड़ेगा इसे। ये पूर्णता बुद्धि का विकास होने से पूर्व यदि किसी को शक्तियां मिल जाएं तो कभी कभी ऐसे दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। संपूर्ण देह में ताप का अनुभव हो रहा है और मेरा कंठ भी सूख रहा है। माँ, मुझे जल चाहिए। माँ का हाथ जल गया। तुम्हारी देह तो अग्नि के समान तप रही है। तुम चिंता मत करो अंजना, हनुमान को लेकर शीघ्र ही राजभवन चलो, राजवैद्य इसका भी उपचार कर देंगे। चलो पुत्र हनुमान, राजभवन चलो। बलबला बलबल, ये कैसी वरदानी शक्ति? लावा पीने के बाद से तो लग रहा है इसकी मृत्यु ही हो जाएगी। यदि वरदान की शक्ति थी तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। रावण को कुछ भी बताने से पूर्व मुझे ही समझना होगा कि इसके पास और क्या क्या शक्तियां हैं और कितनी हैं। इस बार ये यज्ञ असफल नहीं होना चाहिए।
ये आकर्षण कवच उसी दिन सिद्ध हो गया होता जिस दिन ग्रहण होने वाला था, परंतु उस वानर बालक के कारण विघ्न पड़ गया। गुरुदेव, मेरे लिए यह आकर्षण कवच अत्यंत आवश्यक है। तुम चिंता मत करो लंकेश, ये रक्षा कवच अवश्य सिद्ध होगा। तुम देखना बिना ग्रहण के भी ग्रहण का प्रभाव कैसे उत्पन्न करता है तुम्हारा ये गुरुदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। सच में ही ग्रहण जैसा ही प्रतीत हो रहा है। राजमाता कैकसी इस अवैदिक यज्ञ की सफलता के लिए अपने तपोबल से इस यज्ञ स्थल के आकाश और आसपास के वातावरण में ग्रहण की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। मेरे तपोबल से यज्ञ की अग्नि भी प्रकट होगी। आप जैसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं जो अपने शिष्यों की भलाई के लिए अपने तपोबल के क्षय होने की भी चिंता नहीं करते। मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है असुरों का उत्थान। लंकेश, मैं तुम्हें नर और वानर से भी सुरक्षा प्रदान करवाऊंगा। इस रक्षा कवच के द्वारा गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। मैं इसे अपने पवित्र मंत्रों से सिद्ध करूंगा। इसकी आकर्षण शक्ति से किसी भी असुर को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें तनिक भी असुरी प्रवृत्ति हो, तुम अपने वश में कर सकते हो और तुम उससे अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो वो कार्य करा सकते हो। जब तक ये कवच पूर्णतया शुद्ध रहेगा, तब तक नर और वानर ही नहीं सबसे रक्षा करेगा तुम्हारे। यज्ञ का संकल्प लो दशानन। इस जल से मेरी देह का ताप कम हो जाएगा।
ये सूर्यदेव को क्या हो गया? बादल भी नहीं है, फिर भी ग्रहण की भांति अंधेरा छाया हुआ है। ये तो अशुभ लक्षण है। हे भगवान, हमारे हनुमान की रक्षा कर। जाने से कुछ शीतलता मिली? नहीं माँ, आप चिंता ना करिए, हनुमान शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। हनुमान को कुछ भी नहीं होगा। रुक जाइए माँ, मेरे समीप मत आइए, मेरी त्वचा तप रही है, आप छूने से ही जल जाएंगी। माँ मेरे समीप मत आइए। नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आपको शपथ है मेरी, हनुमान को कुछ नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं। मेरे समीप मत आइए। महारानी जी, अब चिंता मत कीजिए, युवराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। चंदन जल और औषधि के काढ़े से वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। हनुमान ने जब अग्निदेव की पावक हुताशिनी वाहनी आदि सेना को अपने भीतर समाहित कर लिया था, सूर्य को निगल लिया था, उस समय भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था, और उसके बाद तो अग्निदेव ने उन्हें वरदान भी दिया था कि उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि लावा पीने के पश्चात उनकी देह ताप से भर उठी? हाँ प्रिय, लावा की दाहकता इतनी अधिक होती है कि लौ भी द्रव बन जाए, किंतु इतना लावा पीने के पश्चात भी हनुमान की देह नहीं चली, भस्म नहीं हुई। ये अग्निदेव के वरदान का ही तो प्रभाव था प्रिय। देवी, देह की संरचना में जल वायु अग्नि आदि का एक संतुलन होता है, तभी देह सुचारू रूप से कार्य करती है। हनुमान के लावा पीने से उनकी देह में अग्नि तत्व की अधिकता हो गई और जल तत्व न्यून हो गया, इसीलिए हनुमान अस्वस्थ हो गए। आप सत्य कह रहे हैं द्वारकाधीश, आहार का देह और मन पर सीधा प्रभाव पड़ता ही है। हाँ देवी रुक्मणी, समुद्र मंथन के समय देवेश्वर महादेव ने भी विष पिया था, उनका कंठ नीला पड़ गया था। आहार का गुण धर्म यही है, जिसने खाया जैसा अन्न उसका बना वैसा मन। इसीलिए मनुष्य को आहार के योग्य पदार्थ का ही आहार करना चाहिए। युवराज इसे पीजिए। कैसा है? काढ़ा ऐसा ही होता है, औषधि समझ के पी लो, स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है।
कैसा लग रहा है पुत्र? मैं क्या करूं नानी, मेरी प्यास बुझ ही नहीं रही है। शिष्य शीघ्र जाओ, चंदन जल, पुष्प जल एवं शीतल दूध आदि लेकर आओ और युवराज हनुमान की देह पे डालो। युवराज, आपको कुछ शीतलता मिली? नहीं वैद्यराज जी, अभी भी अग्नि सी कुछ जल रही है देह में। कोई औषधि काम न आए, लावा के तप से तपते हनुमान। राज वैद करे हर उपचार, किंतु कैसे धैर्य धरे हनुमान। सब चिंतित और व्यथित है, अब ना सूझे कोई प्रभु। हर लो पीड़ा मेरे लाल की, मांजना करती विनती। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं आप? नारायण प्रति वेदयामी यद्ग्रहण संग्रो देवासु स एतां पाशनं गृहचदा वेद सर्वनाशं पक्षेन स संभवेन। गुरुदेव, आकर्षण कवच को सिद्ध होने के लिए और कितना समय लगेगा? समय तो लगेगा लंकेश, किंतु कितना ये कहना कठिन है। परंतु इतना अवश्य कह सकता कि इस बार यह रक्षा कवच बिना सूर्य ग्रहण के ही सिद्ध होगा। मेरा तपोबल सिद्ध करेगा इसे। कवच की चमक के साथ ही अब यह यज्ञ पूर्ण होगा। रावण की सहायता करने का अर्थ है संसार में विध्वंस और अति विनाश। देवराज, शुक्राचार्य समस्त असुरों के गुरु हैं, वे रावण के भी गुरु हैं। किंतु गुरुदेव, गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को उचित मार्ग दिखाना, जबकि वे तो रावण को अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं। हाँ गुरुदेव, यदि रावण का रक्षा कवच सिद्ध हो गया तो उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएगी, सबके लिए वो अवध्य हो जाएगा। उसके आतंक से समस्त सृष्टि राही माम कर उठेगी, असुर राज करेंगे सारे संसार पर। देवराज, देवी सची, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो अपना गुरु धर्म निभा रहे हैं। वे देव हो, दानव हो या मानव, सबको अपने कर्म और धर्म पर ही ध्यान देना चाहिए।
विश्वनराय प्रतिवेदयामि यद्ग्रहं संग्रहो देवासु सहेतां पाचनं गृहचदा वेद सर्वनाशं पक्केन स संभवेयम्। ब्रह्मं प्रसन्नं, प्रसन्न हुए हम। गुरुदेव आप महान हैं, आपका तपोबल कार्य कर रहा है, आकर्षण कवच का सिद्ध होना आरंभ हो गया है। अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों के साथ सिद्ध हो जाएगा और उसके पश्चात तुच्छ वानर हो या नारायण ने संसार के किसी भी कोने में जन्म ले लिया हो, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं अवश्य हो जाऊंगा सबसे। देखा आपने देवगुरु, ये शुक्राचार्य क्या करा रहे हैं? इन्हें तनिक भी भान नहीं है कि रावण ये शक्तियां पाकर क्या करेगा। शक्ति संचय की होड़ तो देवताओं ने ही आरंभ की है देवराज। यदि देवता हनुमान को इतनी शक्तियां प्रदान न करते तो कदाचित शुक्राचार्य भी रावण को इतनी शक्तियां दिलाने के लिए यज्ञ आरंभ न करते। इस अनिष्टकारी यज्ञ को रोकना ही होगा। नारायण नारायण। अरे आप सब तो रावण के यज्ञ की चर्चा में ही उलझे हुए हैं। उधर संकट मोचन हनुमान स्वयं संकट में है, उनकी पीड़ा का अंत कैसे होगा? हनुमान की पीड़ा भी चिंता का विषय है देवर्षि नारद, किंतु सर्वप्रथम मुझे रावण के इस यज्ञ को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। यही मेरा उत्तरदायित्व है। हे करुणा निधान, करुणा कीजिए मेरे पुत्र पर। मैंने तो आप सब देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान स्वीकार कर लिए थे और ये संकल्प लिया था कि आपका महान उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मुझसे जो भी योगदान हो सकेगा मैं दूंगी। मुझे ज्ञात है ये मार्ग बहुत कठिन है। हे प्रभु, वरदान आपने दिया है, परीक्षा भी आप ही लेंगे। हे महादेव, हनुमान को इस पीड़ा से मुक्त कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। महादेव, स्वामी, मुझसे हनुमान की असीम वेदना अब और नहीं देखी जाती। ये सत्य है कि उसने वरदान की शक्ति का प्रयोग समझदारी के साथ नहीं किया, किंतु अभी उसका विकास होना है। वह अबोध है, किंतु ज्वालामुखी का मुंह बंद करने या लावा को पी जाने के पीछे उसकी लोक कल्याण की ही तो भावना है। हनुमान ने लावा पीकर अपनी प्रजा को संकट से हरा है। संसार में आप ही मुक्त करा सकते हैं देवाधिदेव। आपसे बड़ा वैद्य इस संसार में कोई नहीं। मैं समझ रहा हूं आपका आशय क्या है करुणामयी देवी।
हनुमान कैसा है? उसकी पीड़ा कुछ कम हुई या नहीं? नहीं पुत्री, राजवैद्य ने सारे उपाय करके देख लिए, जड़ी बूटियों से लेकर चंदन तक सब औषधियों का प्रयोग करके देख लिया। आसपास के अन्य वैद्यों के पास भी हनुमान के उपचार के लिए कोई औषधि नहीं है। मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा कि अब क्या होगा हमारे हनुमान का। सबको संकट से बचाने के लिए ये सब किया, अब उस संकट मोचन को संकट से उभारने कौन आएगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर चाहता हूं। क्या मेरा पुत्र अब स्वस्थ नहीं हो पाएगा? स्वामी, यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। के दुख का कारण बन रहा हूँ ना, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा मत बोलो पुत्र, परिस्थितियों का सामना किया मैंने, महान संकटों में भी साहस के साथ अडिग रहा मैं, कभी हार नहीं मानी। किंतु आज अपने पुत्र की पीड़ा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हार गया हूं मैं। तब तक नहीं हो सकती जब तक भगवान पे भरोसा है। चिंता चिता तक पहुंचा देती है, देह को नष्ट कर देती है, इसलिए चिंता को त्याग कर आशावान बने रहिए। शेष ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ये कौन विभूतियां हैं? दिव्य तेज पसरा है इनके चारों ओर। कौन हो सकते हैं ये? महाराज, ये बहुत पहुंचे हुए वैद्य हैं, कह रहे हैं कि युवराज का उपचार कर सकते हैं। आपका स्वागत है वैद्यराज, कहां से पधारे हैं? ठिकाना नहीं पूछते वाले,
हम तो रमता जोगी हैं बहता पानी, आज यहां तो कल कहीं और। उपचार करवाना है तो बताइए। करवाना है महाराज। एक बार इन्हें भी युवराज का उपचार करने का अवसर देकर देख लीजिए। हाँ हाँ सेनापति, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला। किंतु महाराज, वैद्यराज मुंह मांगा शुल्क लेने की बात कर रहे हैं। वैद्यराज जी, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, वचन है मेरा। आप ये सारा राजपाट ले लीजिए, आप कहेंगे तो मैं अभी ये भवन आपको सौंप कर चली जाऊंगी, किंतु मेरे पुत्र को, मेरे हनुमान को स्वस्थ कर दीजिए। महादेव से बड़ा वैद और कौन हो सकता है संसार में। अब मेरे हनुमान की पीड़ा अवश्य शांत हो जाएगी। नारायण नारायण। महादेव जैसा वैद तो विरले ही किसी भाग्यशाली को मिलता है। धन्य हो तुम हनुमान, जो महादेव स्वयं तुम्हारी चिकित्सा के लिए पधारे हैं। आइए वैद्यराज जी। जी तो देखे हुए से लग रहे हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि कहां देखा है। जी तो देखे हुए से लग रहे हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि कहां देखा है। दवा ही पी गए, भय नहीं लगा तुम्हें? तुम्हारे प्राण भी जा सकते थे। अब औषधि पीनी पड़ेगी तुम्हें। वैद्यराज जी, आप जैसी भी औषधि देंगे, मीठी या कड़वी, मैं पी लूंगा। मुझे इस दशा में देखकर माँ को कष्ट हो रहा है और पिताश्री भी व्याकुल हैं। उनकी व्याकुलता समाप्त कर दीजिए बस। अपने माता पिता की व्याकुलता दूर करना है। मेरी औषधि तुम्हें स्वस्थ कर देगी। किंतु उसके पूर्व मुझे वचन दो कि सदैव अपने माता पिता की बात मानोगे। मैं वचन देता हूं। जाओ बालक। महाबली हनुमत की कुछ कर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मूल ने हर लिया
गया अंश का ताप, जटा के जल से करते उपचार। अद्भुत लीला शिव शक्ति की, हर लिया अंश का सब विकार। मात और पिता है भावुक, देख कर हनुमान आगत ताप। हनुमान है अब ताप रहित, रहे निरोगी अंजन पुत्र का शरीर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कमंडल से जल ग्रहण कराओ बालक को। ग्रहण करो इसे। कुछ नहीं होगा वैद्यराज, ये अग्नि ही उगलेगा। बल बला बल बल। बचलो बचलो अतिबल, कहीं तुम्ही न फंस जाओ, कहीं कहीं तुम्हें ही अग्नि लग गई तो। इस बार अग्नि नहीं निकली। अग्नि बुझ गई, देखा ताप शांत हो गया, ताप शांत हो गया। मित्र हनुमान तुम तो स्वस्थ हो रहे हो। मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा, माँ की चिंता भी दूर हो जाएगी। और नहीं, अति औषधि की हो, भोजन की हो, प्रेम की हो, शत्रुता की हो, ज्ञान की हो, या किसी अन्य वस्तु की हो, अति सदैव क्षति का कारण बनती है। यदि एक घूंट में तुम स्वस्थ हो सकते हो, उससे अधिक जितनी भी औषधि तुम पी जाओगे वो व्यर्थ तो जाएगी और उससे तुम्हें हानि भी हो सकती है, इसलिए सदैव उचित मात्रा का ध्यान रखो। मैं समझ गया, मैंने भी अधिक मात्रा में लावा पी लिया था। लावा कोई पीने का पदार्थ नहीं है बालक। गौरी तनिक किसका ताप तो देखो। रुक जाइए, माँ ने भी मुझे छुआ था, उन्हें भी हाथ में ताप लग गया था, कहीं आपको भी। मुझे कुछ नहीं होगा बालक। Thank you.
कुछ नहीं हुआ ना। अब तुमने जो अपनी माँ को शपथ दी थी कि मुझे मत छूना, वो शपथ तोड़ दो। अब आप अपने पुत्र को स्पर्श कर सकती हैं। कब से गले लगाना चाहता था। वैद्यराज जी, आप तो हमारे पुत्र को मृत्यु के मुख से खींच लाए हैं। बनकर आए हैं आप हमारे लिए। अब बालक को विश्राम की आवश्यकता है, इसे सोने दीजिए। प्रातः तक ये पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा। आपके लिए हम जो भी कर सकें वो कम होगा वैद्यराज जी। कृपया आज्ञा दें, हम क्या शुल्क देके आपको संतुष्ट कर सकते हैं? शुल्क भविष्य में कभी मांग लेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। वैद्य जी, आपने हमारे हनुमान को जीवन दान देकर हमें भी नया जीवन दान दिया है। आपके शुल्क के लिए मैं अपने पल्लू में गांठ बांध लेती हूँ। जब भी आप कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, यदि वो हमारे सामर्थ्य में हुआ तो हम आपको अवश्य वो शुल्क देंगे। आपका कल्याण हो। दृश्य था। रुद्रांश को स्वयं रुद्र अपनी जटाओं में बसी गंगा से स्नान करा रहे थे। देवर्षि, पुण्य सलीला गंगा तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का हरण करने वाली है। हनुमान का ताप तो समाप्त होना ही था ना। और देवर्षि, आपने देखा नहीं, आज तो महादेव हनुमान को स्नान करा के ऐसे आनंदित हो रहे थे जैसे स्वयं पिता अपने पुत्र को स्नान करा के आनंदित होता है। आप प्रभु, पहले स्नान कराया, फिर माता महेश्वरी ने कमंडल से अमृत पान कराया। हनुमान, तुम्हारे जैसे भाग्य तो किसी के नहीं है। नारायण नारायण। माँ, वो दोनों मुझे देखे देखे से लग रहे थे, और उन्होंने जो मुझे जल पिलाया वैसा तो मैंने आज तक नहीं पिया है। औषधि होगी पुत्र,
माँ, वो शहद जैसा मीठा था, किंतु उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैंने आपको शपथ दी थी ना छूने के लिए? अब तुमने जो अपनी माँ को शपथ दी थी कि मुझे मत छूना, वो शपथ तोड़ दो। अब आप अपने पुत्र को स्पर्श कर सकती हैं। कुज्जकु प्रभोवपि त्वं मंगल परिगद्यसे अमंगलं निहत्याशु सर्वदा यच्छ मंगलं स्वाहा स्वाहा। दशानन, देख रहे हो आकर्षण कवच को? मेरे तपोबल ने प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। हाँ गुरुदेव, देख रहा हूं। देवराज इंद्र, हमारी सेना युद्ध के लिए तत्पर है। मात्र युद्ध नहीं है यह सेनापति कार्तिकेय, आज हमारी सेना को हमारा कर्तव्य पुकार रहा है। आज हमारे वीरों को श्रेष्ठ पराक्रम और अद्भुत शौर्य दिखाना है। यदि हमें सृष्टि की रक्षा करनी है तो हर स्थिति में लंकेश रावण के इस यज्ञ का विध्वंस करना होगा। यदि रावण इस यज्ञ में सफल हो गया तो ना केवल उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएगी, वरन वो हर किसी से अवध्य भी हो जाएगा, जिसके पश्चात समस्त सृष्टि असुरों के आतंक और अत्याचार से त्राहिमाम कर उठेगी। तीनों लोक पर असुरों का आतंक होगा, इसीलिए इस यज्ञ का विध्वंस होना अति आवश्यक है। जी देवराज, हमारी सेना किसी भी कठिन चुनौती से निपटने के लिए तत्पर है। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है देवराज इंद्र। प्रजाजनों, आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि आपके युवराज हनुमान सकुशल हैं। उनका ताप अब पूर्णता शांत हो चुका है। सेनापति, इन वैद्यराज को तो कभी देखा ही नहीं अपने नगर में, पता नहीं कहां से आए थे। हाँ महाराज, हमें आग्रह करना चाहिए कि वे हमारे नगर में ही बस जाएं। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं भी उनसे यही आग्रह करने के लिए बाहर गया था, किंतु वे कहीं दिखाई ही नहीं दिए। मुझे तो लगता है ईश्वर स्वयं आए थे मेरे पुत्र का उपचार करने। हे महादेव, हे कृपा निधान, आपको कोटि कोटि नमन। देवराज, आपका वाहन और आपका सारथी मातली आपकी सेवा में प्रस्तुत है। युद्ध क्षेत्र में आपकी रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं मैं। मातली, मुझे तुम पर सबसे अधिक विश्वास है। तुम एक श्रेष्ठ सारथी तो हो ही, मेरे हित चिंतक भी हो। धर्मनिष्ठा और विश्वसनीयता में भी तुम श्रेष्ठ हो। आज युद्ध में हमारी ही विजय होगी। दिखाई
अकस्मात क्या हो रहा है? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वायु भी बहुत तीव्र हो गई है। ये कैसा अलौकिक प्रकाश है? मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ब्रह्मदेव, अब मैं देखता हूँ नर और वानर मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। रुक जाओ देवराज इंद्र। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। किंतु आप मुझे रावण का यज्ञ विध्वंस करने से क्यों रोक रहे हैं? देवराज, वो प्रयास करना ही व्यर्थ है जिसका असफल हो जाना निश्चित है। पराजय तो मिलेगी ही, हास्य के पात्र भी बनेंगे आप। रावण ने घोर तपस्या करके मुझसे वर मांगा था कि देवताओं से अवध्य रहेंगे और मेरा वरदान कभी निष्फल नहीं होता। मात्र नर एवं वानर ही उनका वध कर सकते हैं। नर रूप में विष्णुदेव एवं वानर रूप में रुद्रांश का जन्म हो चुका है। मुझे तो ये सब ज्ञात है परमपिता, किंतु यदि रावण का यज्ञ सफल हो गया, उसका रक्षा कवच सिद्ध हो गया, तो वो नर और वानर के लिए भी अवध्य हो जाएगा। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। समय तो अपना कार्य करेगा ही। मेरा आपसे परामर्श ही नहीं, आदेश भी है कि आप रावण के हवन में विघ्न डालने का प्रयत्न भी ना करें। किंतु ब्रह्मदेव। देवराज, परमपिता ब्रह्मदेव उचित ही कह रहे हैं। लंका पर आक्रमण करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। लंकेश, सिद्ध हो गया यह कवच। प्रसन्न हुए हम। गुरुदेव, आप महान हैं। प्रसन्न कर दिया आपने दशानन को। यदि तुमने कुछ अनुचित या बुरा कार्य किया, एक लाल माला इस खूंटी पर लटका दी जाएगी। तो तुम समझ गए पुत्र कि तुम्हारा ज्वालामुखी को अप्राकृतिक रूप से रोकना अनुचित था। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये देखिए माँ, मैंने भूल स्वीकार करने वाली लाल माला खूंटी पर टांग दी है। पुत्र, जो भी करना हो सोच विचार कर करना चाहिए। ज्वालामुखी का फूटना प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करने से संकट उत्पन्न होते हैं। किंतु तुमने तो बिना विचार किए उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास किया। वो मेरी भूल थी माँ। ध्यान रखना पुत्र, भविष्य में तुम्हारा कोई भी मित्र कहे
या कोई और अपने वरदानों की शक्ति का प्रयोग तब तक मत करें जब तक सच में उसकी आवश्यकता ना हो। ध्यान रखना पुत्र, भविष्य में तुम्हारा कोई भी मित्र कहे या कोई और अपने वरदानों की शक्ति का प्रयोग तब तक मत करना जब तक सच में उसकी आवश्यकता ना हो। किंतु माँ, मुझे कैसे ज्ञात होगा कि अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है भी या नहीं? आओ मैं बताती हूँ। हनुमान, ये शाक देख रहे हो पुत्र, इसे चाकू से ही काटा जाना चाहिए ना कि तलवार से। अर्थात शाक की आवश्यकता चाकू से पूरी होती ना कि तलवार से। मैं सब समझ गया माँ। चलो ये चूल्हा देख रहे हो पुत्र, इसमें उतनी ही आंच रखी जाती है जितने में भोजन पक जाए। अधिक लकड़ी जलाई जाने से भोजन जल भी सकता है और यदि कम लकड़ी जलाई गई तो भोजन पकेगा ही नहीं। मैं समझ गया माँ, भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है। जो काम छोटी शक्ति से हो जाए उसके लिए हमें बड़ी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ पुत्र, जो काम तुम सहजता से कर सकते हो उसके लिए वरदान की शक्तियों का प्रयोग करना अनुचित है। यदि किसी के प्राण संकट में हो या कोई दुर्घटना घटने वाली हो या प्रजाजन संकट में पड़ गए तब तुम अपनी वरदान की शक्ति का प्रयोग करो और वो भी उसके परिणाम के विषय में सोच विचार करके पूर्ण समझदारी के साथ। मैं अब ऐसा ही करूंगा माँ। बलबला बलबल, सोच विचार करोगे हनुमान, अब मुझे तुम्हारी शक्तियां देखने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। बलबला बलबल। लंकेश, अब ये कवच सिद्ध हो गया है। लंकेश, ये कवच तुम्हारी रक्षा के लिए प्रस्तुत है। इसे धारण करते ही तुम अवध हो जाओगे। नर और वानर कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। अब यह सारा संसार तुम्हारे चरणों में होगा। इसे धारण करते ही तुम तीनों लोकों को भी धारण करने योग्य हो जाओगे। धारण करो इसे लंकेश।
विष्णु अब तेरा कोई छल कपट नहीं चलेगा। चाहे तूने इस धरती के किसी भी कोने में जन्म ले लिया हो, चाहे तुम सारे देवता मिलकर उस तुच्छ वानर बालक को जितनी चाहे शक्तियां दे दो, अब मेरा कोई आयत नहीं कर सकता। मैं अजय हूं, अपराजय हूं, अवध्या हूं मैं, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। सुना तूने विष्णु? मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब मैं निकलूंगा अपने रक्षा कवच के साथ परिभ्रमण करने के लिए। दशानंद रावण की जय। दशानंद रावण की जय। केश रावण की जय। क्या कोई सदैव अपराजय रह सकता है? कुछ स्थाई नहीं है संसार में, समय परिवर्तनशील है, सब कुछ समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। किंतु हां, भक्ति कभी परिवर्तित नहीं होती। भक्ति से आंतरिक शक्ति प्रबल होती है, वो शक्ति आत्म त्याग के लिए प्रेरित करती है। और जब मनुष्य सच्चा आत्म त्याग करता है, तभी उसकी आत्मा ईश्वर के प्रति पूर्णतया रूप से समर्पित हो पाती है। किंतु स्वामी, आत्मत्याग बहुत ही कठिन साधना के द्वारा ही संभव होती है। हाँ मित्रविंदा, किंतु जिसने ये कठिन साधना कर ली, उसे ना तो मृत्यु का भय रहता है और ना ही स्वर्ग के सुख की कामना। अजय हो जाता है वो। उसकी देह तो पराजित हो सकती है, किंतु आत्मा नहीं। इसीलिए रावण या अन्य मनुष्यों की भांति भय, वासना और लालच के नाम पर बाहरी सुरक्षा कवच ढूंढने के स्थान पर आंतरिक सुरक्षा कवच की सिद्धि करनी चाहिए, जो आत्मा को सुरक्षित करती है। और उसकी सिद्धि तभी होती है जब आत्मा भक्ति भाव के साथ परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। अरे वाह, इतने सुंदर उपहार, नए नए अंग वस्त्र, नए आभूषण। अरे वाह, कितना सुंदर है ये, और कितना चमक रहा है, बिल्कुल दर्पण के भांति। माँ, ये कितना सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, मैं इसे अभी पहन लूँ? अभी नहीं पुत्र, समय है अभी। पहले तुम्हारा राज तिलक होगा, तुम युवराज बनोगे तब। नानी, युवराज तो मैं अभी भी हूँ ही ना, सब मुझे युवराज कहते हैं। युवराज बनने के लिए उत्सव का आयोजन क्यों? पुत्र, इस उत्सव में तुम्हें विधिवत युवराज घोषित किया जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे कुछ नए कर्तव्यों का आरंभ होगा। तुम्हारे उत्तरदायित्व भी बढ़ जाएंगे। जानते हो ना कर्तव्य और उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? हाँ नानी जी,
मुझे सब ज्ञात है। चक्रासुर के समय में भी मैंने अपना उत्तरदायित्व निभाया था और ज्वालामुखी के विस्फोट के समय भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया था। पुत्र हनुमान, वीरता और युद्ध ही कर्तव्य नहीं होते युवराज बनने के लिए, प्रजा के हित का भी ध्यान रखना होता है। रणनीति से लेकर राजनीति तक सबका ज्ञान होना आवश्यक है युवराज बनने के लिए। इतना सब कुछ? हाँ पुत्र, कृषि का प्रबंध, उद्योग और व्यापार की व्यवस्था, संगीत, साहित्य, कला, नाट्य का प्रबंधन, यही नहीं धर्म कर्म और यज्ञ, ये सब कुछ तुम्हें सीखना और समझना होगा पुत्र। इतना सब कुछ? हाँ पुत्र, अपने आचरण और कर्मों से तुम्हें पिताश्री, मेरे राज तिलक के लिए इतने नए नए आभूषण। अंजना, इतनी उदास क्यों हो? संस्कार, समझ और अनुभव कोई औषधि नहीं है जो घोल कर पिला दी और बालक को ज्ञान प्राप्त हो गया? हमें निरंतर प्रयास करना होगा और देखना हमारा हनुमान शीघ्र ही सब कुछ सीख जाएगा। माँ, मैं ये सब अपने मित्रों को दिखाऊं? उत्सव में तो सब देख ही लेंगे ना। पुत्र, मैंने तुम्हें समझाया था ना, किसी भी प्रकार का दिखावा करना अनुचित है। वस्त्र आभूषण हो, धन संपदा हो या शक्ति बल, किसी भी प्रकार का अनावश्यक दिखावा नहीं करना चाहिए पुत्र। मैं सब समझ गया माँ, और मुझे ये भी स्मरण है कि अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए जब सच में उनकी आवश्यकता हो। कितना श्रृंगार करोगी उर्वशी? होना तो वही है जो नित्य होता है, हम नित्य करेंगे। देवराज इंद्र कुछ प्रशंसा के बोल बोलेंगे बस। रंभा, आज उर्वशी देवराज इंद्र को अपने सौंदर्य और नृत्य से मंत्रमुग्ध करने वाली है। देवियों, देवराज इंद्र ने सूचना भिजवाई है कि आज दरबार में होने वाला नृत्य स्थगित किया जाता है। परिश्रम और अभ्यास किया था हमने और देवराज इंद्र ने नृत्य स्थगन का आदेश दे दिया। ऐसा क्यों किया देवराज इंद्र ने? मुझे तो इसकी आशंका पहले से ही थी। रावण के कारण ही देवराज खिन्न भी है, वो तो सेना तक लेकर निकल पड़े थे युद्ध करने को। हमें देवराज से भेंट करनी चाहिए। नहीं चित्रा, इस समय उनसे नृत्य आदि की बात करना अनुचित होगा। स्वर्ग की महारानी शची पधार रही है। महारानी, प्रणाम महारानी।
आप एकाएक यहाँ रंगशाला में? हाँ, तुम सबके लिए एक सुखद समाचार है। तुम्हारी परम सखी के जीवन में आज सुनहरा अवसर आया है। आप किस सखी की बात कर रही हैं महारानी? पुंजिक स्थला की उर्वशी, जो अब धरती लोक में हनुमान की माता अंजना है। आज अंजना के पुत्र हनुमान को अल्पायु में ही युवराज के पद पर सुशोभित किया जा रहा है। अच्छा, आज तो सचमुच ही पुंजिक स्थला अर्थात अंजना के जीवन का सबसे सुखद दिन है। हाँ उर्वशी, बड़ा ही चमत्कारी और दिव्य बालक है वो, और अंजना भी संसार की श्रेष्ठ माताओं की गणना में आ चुकी है। चलो अच्छा ही है, पृथ्वी पर जाकर ही सही, कुछ तो श्रेष्ठता मिली उसे, अन्यथा स्वर्ग में तो वो एक साधारण अप्सरा थी। क्यों उर्वशी, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? मुझे क्यों ईर्ष्या होगी महारानी, स्वर्ग के सुख पृथ्वी पर कहा। अच्छा सुनो, सुमेरु से स्वर्ग में भी निमंत्रण आया है, तो हमने सोचा वो तुम्हारी सखी है, तुम सब चली जाओ वहाँ, उससे मिल भी लोगी और हमारी ओर से उसे उपहार भी दे देना। यदि आप और देवराज चाहते हैं तो हम अवश्य जाएंगी वहाँ। महाबली उद्भट योद्धा पंपासर नरेश पधार रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भवन। आपका स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति पधार रहे हैं। पितामह आपका स्वागत है। देवियों आपका स्वागत है। कदाचित आप सब स्वर्गलोक से पधारी हैं। हाँ महाराज केसरी, मैं उर्वशी, ये चित्रा और ये रंभा, देवराज इंद्र और देवी शची इंद्रानी की ओर से हम स्वर्गलोक से आपके पुत्र हनुमान को आशीर्वाद देने आए हैं। आसन ग्रहण कीजिए। तो देखो महारानी और राजमाता हो गई है यहाँ। चित्रा सत्य कहा, हम तो बस अप्सराए बनकर रह गई, मात्र नृत्यांगनाएं, और ये यहाँ राजमाता बनकर सबका सम्मान पा रही। अब हमें विधान आरंभ करना चाहिए। अब युवराज अभिषेक का विधिवत श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश, पुरोहित जी, ये श्री गणेश क्या होता है? ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरित पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः शुचिः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवेतु। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुग्धम समर्पयामि, ओम घृतम समर्पयामि, ओम तिलम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। अब हनुमान युवराज पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हनुमान पुत्र, राजपुरोहित जी जो तुमने कहे तुम्हें वही दोहराना है। मैं समझ गया माँ। मैं सुमेरु महाराज केसरी और राजमाता अंजना पुत्र हनुमान युवराज पद की शपथ लेता हूँ। मैं सुमेरु महाराज केसरी और राजमाता अंजना पुत्र हनुमान युवराज पद की शपथ लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूँगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।